हेलो एवरीवन, टैरिट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट सिचुएशन और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर आज ये दो डेक मैं यूज़ करूँगी आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने के लिए और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशंस क्या चल रही हैं अभी इस वक्त। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहती हैं या क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट मैसेज है मेरे व्यूवर्स की तरफ टू ऑफ फायर, देन वी हैव विच ऑफ अर्थ, टेन ऑफरिंग्स, एट ऑफ वाटर, ग्रेट मदर एंड फोर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वी हैव वाटर एनर्जी ऑल्सो, वी हैव अर्थ एनर्जी ऑल्सो। यहाँ पर सभी साइन है गाइस। जहाँ तक बात करें, रीडिंग की शुरुआत हुई है वेटिंग पीरियड से, तो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों एक दूसरे से अटैचमेंट फील करते हैं, एक दूसरे के लिए लव है, रोमांस है, पैशन है, लेकिन यहाँ पर फिर भी डिस्टेंस है, वेटिंग पीरियड है। क्यों है वेटिंग पीरियड? क्यों है यहाँ पर? डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है ज़्यादातर लोगों के पर्सन की लाइफ में, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी में एक बहुत ही प्यारा शिफ्ट आया है और वो शिफ्ट ये है कि आपके पर्सन अब वेट कर रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। जैसे आप वेट करते हैं कि मेरे पर्सन थर्ड पार्टी में है, मेरे पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर कब आएंगे या कब आएंगी या मेरे लिए स्टैंड कब लेंगे, तो यहाँ पर आपके पर्सन वेट कर रहे हैं उस सिचुएशन से बाहर आने का। ये एक प्यारा शिफ्ट है, ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं अपने लाइफ में। अगर आप इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं। अगर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रेंडशिप तो ये फ्रेंडशिप ऑफ़र करना चाह रहे हैं। जो भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि इसमें डिवाइन की भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, बिकॉज़ यहाँ मदर नेचर की एनर्जी है, तो जो भी मदर नेचर की तरफ से गाइडेंस हो पा रहा है, मदर नेचर सर्व करने की कोशिश कर रही हैं आपके पर्सन को, उनको गाइडेंस देना, उनको हील करना, उनको रिकवर करना, अगर कार्मिक उनको ट्रिगर कर रहे हैं तो भी उनको सही रास्ते पर लेकर जाना, उनको भटकने से बचाना, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में एक और बात यहाँ पर दिख रही है कि ये इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। वी हैव एट ऑफ वाटर जो सुबह भी आया था आज की एनर्जी में, और ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में जितना इनसे एफर्ट हो सके ये डालने की कोशिश करना चाहते हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है सिक्स ऑफ अर्थ ने, ये बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपके साथ रहना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि ये अगर किसी मुश्किल में हैं तो आपसे दूर रहें, ये चाहते हैं कि आप इनकी मुश्किल को समझो और इनका सपोर्ट करो, इनके साथ रहो, इनको अकेला ना छोड़ो बिल्कुल भी। मूव ऑन करने का तो सोचना भी नहीं है, मतलब इस एनर्जी में है आपके पर्सन। विच ऑफ अर्थ को क्लैरिफाई किया है नाइन ऑफ एयर ने, मतलब कि इनके लाइफ में कोई तो ऐसा सिचुएशन है जो कि बहुत टॉक्सिक है, इनको सिचुएशन में सफरिंग फील हो रही है, मतलब ये सफ़र कर रहे हैं उस सिचुएशन में, इन्हें रियलाइजेशन भी हो रहा है, गिल्ट भी हो रहा है कि ये सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं या हो चुकी हैं, तो अब इससे निकलें कैसे। ऑफरिंग की एनर्जी है, ऑफरिंग को क्लैरिफाई किया है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स ने, यहाँ पर अगर आपको अपने रिलेशनशिप में कमिटमेंट ऑफर करने के लिए या आपके साथ आगे बढ़ने के लिए अगर इन्हें फाइट करनी पड़े, इन्हें आर्ग्यूमेंट करना पड़े, वो भी अपनों से, तो भी ये आर्ग्यूमेंट से पीछे नहीं हटेंगे, ये इनके थॉट प्रोसेस में चल रहा है। फोर ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, एंड वी हैव गार्जियन, इनके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, जो इनके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो इन्हें पूरी तरह से सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी तरह से इन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें और इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालें कि इस रिलेशनशिप को
आगे कैसे ले जाना है, आपको अपना प्यार कैसे जताना है, बिकॉज काफ़ी लोगों के पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हैं, तो ये काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं बट रुक जा रहे हैं, फियर की एनर्जी में आ जा रहे हैं। ग्रेट मदर को क्लैरिफाई किया है सन ने। वाओ, देखिए मदर के साथ यहाँ सन को हम फादर मानते हैं और यहाँ पे फादर की भी एनर्जी है, तो आपके जो पर्सन हैं उनके लिए डिवाइन स्वयं गाइड बनकर बैठे हुए हैं, उनको हर रास्ते पर गाइड करना, उनको सही रास्ता दिखाना, सूर्य की तरह उनको बनाना ताकि वो शाइन करें अपने लाइफ में, ग्रो करें, अबंडेंट हों, अपनी सोल से जुड़ें, ठीक है। मदर जो हैं वो मन के कारक होते हैं, इमोशनल होते हैं, और फादर जो होते हैं वो आत्मा के कारक होते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन दिल से और दिमाग से, अपनी आत्मा से और अपने इमोशंस मन से, दोनों तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं। इमोशनल विड्रॉवल की एनर्जी है विद फाइव ऑफ वाटर। देखिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और इन्हें बहुत ज़्यादा दुख भी है। दुख इन्हें किस बात का है, स्पेशली अगर ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उस बात का दुख इन्हें बहुत ज़्यादा सता रहा है। 24/7 कोई इंसान अगर है वो आपसे बात भी नहीं कर रहा, अगर बात करता है तो उसे अंदर से ये बातें कचोटती हैं कि आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो आपको वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें इन्हें बहुत हर्ट करती हैं कि आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो, आप इनसे प्यार करते हो, लेकिन ये आपके प्यार का वो रिज़ल्ट आपको नहीं दे पा रहे जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो इन्हें अंदर अंदर ये चीज़ें बहुत हर्ट कर रही हैं। देखते हैं और क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। विल टेक सम कार्ड्स फ्रॉम अनदर डेक ऑल्सो। करंट फीलिंग्स प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। आपको लेकर आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या है इस वक्त। फर्स्ट कार्ड इज 10 of Wands, सेकेंड वी हैव 2 of Cups एंड थर्ड वी हैव पेज ऑफ Wands। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बर्डन्ड है, स्टक है, बोझ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, लेकिन उसके बावजूद आपके पर्सन के दिल दिमाग पर सिर्फ आप छाए हो। ये आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, आपकी तरफ नज़रें भी गड़ाए रखे हैं, स्पाई बहुत ज़्यादा है, प्लस रोमांटिक हैं आपको लेकर, आपको किसी भी हाल में खो नहीं सकते, पैशनेट हैं, मैसेज करना चाहते हैं, वांट्स की एनर्जी है, फायर की एनर्जी है, अपने आप को एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं आपके सामने। लेट्स क्लैरिफाई, 10 of Wands को क्लैरिफाई किया है द वर्ड ने। जो भी बर्डन है वो एंड होगा, कंप्लीट होगी साइकिल बहुत जल्द। 2 of Cups को क्लैरिफाई किया है 3 of Cups ने। आपके साथ रियूनियन होगा, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, खुश हो जाइए, बहुत सारे लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई होगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 5 of Cups ने। आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, और अगर दूरियां हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो इस बात का डिप्रेशन भी है। यस, सफरिंग की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा सफरिंग। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सिचुएशन से ये परमानेंटली निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, जिस सिचुएशन में ये सफ़र कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी। निकल पाएंगे, बिल्कुल निकल पाएंगे, बिकॉज वी हैव ए स्ट्रेंथ कार्ड, तो डेफिनेटली इस सिचुएशन से आपके पर्सन बाहर निकलेंगे। सो, ये एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की आज के दिन में निकल कर आई है गाइस। जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखी हैं मैंने आपको बताई हैं, होप आपको कुछ ना कुछ आपकी जर्नी में हेल्प मिली होगी। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, आपके पर्सन का अगला कदम। 5 cards एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ। 6 number मेमोरीज ऑफ लव, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली आने वाले 6 दिन।
वी हैव मदर यूनिवर्स, वी हैव चूज वाइजली, वी हैव फाइव ऑफ सोर्ड्स, वन मोर कार्ड एंजल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ फैमिली या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं, ब्रेकअप एनर्जी है, स्पेशली कार्मिक साइकिल एंड हो सकती है. बहुत सारा यहाँ पर फाइट एंड आर्ग्यूमेंट नज़र आ रहा है, स्पेशली आने वाले 6 घंटे, 15 घंटे या 24 घंटे के अंदर. कुछ लोगों के पर्सन 6 दिन के अंदर ब्रेकअप करेंगे थर्ड पार्टी से, या इनको जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है वहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं. वहाँ पर बहुत भयंकर तूफान आने की एनर्जी है, बिकॉज़ यहाँ कर्मा अटैक है. थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन आपके साथ जो चीज़ें होंगी वो बहुत पॉजिटिव होंगी. मेमोरीज ऑफ लव क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? आपसे डिस्कनेक्टेड है, और आपसे डिस्कनेक्टेड होकर ये आपको याद कर रहे हैं. क्या कनेक्शन में आएंगे, क्या बातचीत होगी? ब्लॉकेज है अभी, सोलर प्लेक्सस एंड हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है. जानबूझ के आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, लेकिन तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं. ब्लॉकेज कैसे हील करना है, इस पे मैंने एस्ट्रोविद एम सिंह पे वीडियो बना रखी है, ज़रूर से देखें. क्या ये ब्लॉकेजेस हील होंगे आपके पर्सन के? क्या वो कम्युनिकेट करेंगे? यस, मिस कर रहे हैं, आने वाले समय में कम्युनिकेट करेंगे. बैलेंस क्रिएट होगा, जस्टिस की एनर्जी है, तो आपके साथ न्याय होगा, हार्मोनी क्रिएट होगी. ये ब्लॉकेजेस हील ज़रूर करें. ब्लॉकेजेस कैसे हील करने हैं, क्या उसका प्रोसेस है, ये मैंने पूरे 7 चक्रा के ब्लॉकेजेस बनाए हुए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. मदर यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए? मदर गाया का मैसेज क्या है? वी हैव टावर, वी हैव इमोशनल विड्रॉवल, वी हैव न्यू बिगनिंग, विजडम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सक्सेस. इनके लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, जो भी साइकिल्स एंड हो रही हैं, होने दीजिए, जस्ट वेट एंड वॉच. सक्सेस आपके साथ इनको मिलेगी, सब्र का फल मीठा होगा. तो ये मैसेज है आपका मदर नेचर की तरफ से. माँ शक्ति की एनर्जी होती है मदर नेचर की. देखते हैं एंजल्स आपको आज के दिन में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. पहला मैसेज है होम कमिंग. आपके पर्सन अपने स्पिरिट से जुड़ रहे हैं, अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हैं. इनवोकेशन. कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है मूड स्विंग्स का शिकार हो रहे हों. कभी उनका मूड बहुत अच्छा रहेगा, कभी सडनली मूड बहुत ख़राब हो जाएगा, तो आपको ट्रिगर मिल सकता है. ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है. कौन है भाई? प्रॉस्पेरिटी. बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आते हुए नज़र आ रही है. मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ लोग, और उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए नज़र आ रही है. जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होगा. प्रोटेक्शन की एनर्जी है. बहुत सारे लोगों को डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन मिल रही है, एंजल्स की तरफ से. रिस्पेक्ट करें अपने गार्जियन एंजल्स, अपने गुरु, अपने गाइड, अपने स्पिरिट गाइड, अपने असेंडेंट मास्टर्स, आपके पेरेंट्स, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, उन सबको ग्रैटिट्यूड शो करें. सो ये थी आज की रीडिंग. होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी. आने वाले समय में क्या चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी वो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा. थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय.